आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पनीर पकौड़ा बनाएंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए इस पनीर पकौड़े की रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया, इसको मैंने इस तरह के टुकड़ों में काट लिया। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर बेसन लिया, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक अपने स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून धनिया चटनी, 1 पिंच हींग, और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है पकौड़ों को तलने के लिए। आइए पनीर पकौड़ा बनाना शुरू। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में ये बेसन डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, ये हींग डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डाले अपने 1 टेबलस्पून के करीब। हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पतला बैटर तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। हमारा बैटर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ना तो इसकी ज्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है। अब इसको हम ढक के एक साइड रख देंगे, तब तक हम पनीर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पनीर के इस तरह से बीच में से काट लेंगे, इसको पूरा नहीं काटेंगे, बस एक साइड से ये जुड़ा रहे। चाट मसाला इनके बीच में इस तरह से लगाएंगे। मैं यहाँ पर 2 तरह के पकोड़े बना रही हूँ, एक चाट मसाला से और एक हरे धनिया की चटनी लगा रही हूँ इसमें बीच में। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सारे पनीर तैयार कर लिए, अब इनको हम फ्राई करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम तेल गरम करना रख देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें बैटर डाल के देख लेंगे। हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ये एक पनीर का टुकड़ा उठाएंगे और बैटर में लपेट कर तेल में डाल देंगे। सारे पकौड़े हमने इसमें डाल के डाल दिए हैं। अब इनको पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइड से हम पलट पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे।
पकौड़े बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे टेस्टी भी लग रहे हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल को अच्छे से झटका झटका के हम सारे पकौड़ों को प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे पनीर पकौड़े तैयार है। अब इन पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। आप इन्हें हरे धनिया की चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करें। बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।